दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। सिलसिला पढ़ के आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। दोस्तों, मेरी ये गुजारिश है आप सब से कि चैनल को सब्सक्राइब व्यू किया करें, तो सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, क्योंकि जब सब्सक्राइब करेंगे तो चैनल इंशाल्लाह बहुत जल्द चला जाएगा आगे और हम लोग बहुत मज़े मज़े की चीज़ें भी आपको दिखाएँगे, परिंदे दिखाएँगे, मज़े मज़े का माहौल दिखाएँगे, हर जगह दिखाएँगे, बलूचिस्तान की खूबसूरत खूबसूरत जगह दिखाएँगे इंशाल्लाह। आपको भी दिखाएंगे और हम खुद भी देखेंगे। और ये देखिए हमारे बलूचिस्तान के पहाड़, खूबसूरत खूबसूरत पहाड़, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, ये हमारे खूबसूरत पहाड़ बलूचिस्तान के। ये देखिए हमारे बिल्कुल घर के सामने ये सारे पहाड़, सारे चारों साइड पर। ये देखिए इधर से भी थोड़े थोड़े नज़र आ रहे होंगे, ये देखें इधर से सारा, इधर सारा चारों साइड तो पहाड़ है हमारे। ये देखिए माशाल्लाह, इधर से तो नज़र नहीं आ रहा है, और इधर से मतलब जहाँ जहाँ ऊपर है ना, ये देखिए सामने वो घर गए हुए पहाड़ों तक शायद आपको नज़र भी आ रहा होगा। ये देखें बहुत खूबसूरत और प्यारा बलूचिस्तान हमारा, हमारे बलूचिस्तान को तो कहते हैं पहाड़ों का देश देश। वो देखिए दोस्तों सामने बर्फ़ भी पड़ी हुई है, वो देखिए अगर आपको नज़र आ रहा हो, देखिए सामने बर्फ़ भी है। देखिए माशाल्लाह, आज चलते हैं परिंदों के पास दोस्तों अपने, वो मुझे बुला रहे हैं, कहते हैं आ जाओ हमें दाना दो, खाना दो, पीना दो। और जैसे ही मैं दरवाज़ा खोलता हूँ तो आ जाते हैं हमारे परिंदों की आवाज़ आ जाती है। इस जगह को अभी बंद करेंगे इंशाल्लाह, इस जगह को अभी बंद करेंगे इधर से दीवार लगा के, क्योंकि इधर फिर हम लोगों ने कैच बनवाना है, इसलिए। माशाल्लाह मौसम अच्छा है, मतलब सर्दी नहीं है, हवा नहीं है, रात को ठंड बढ़ जाती है, बस जैसे ही धूप खत्म होती है ठंड काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। मदन सईदन का नैनवा का शाने, वो देखो दोस्तों वो बेचारा देखे लटक रहा है, ये देखे दोस्तों इस बेचारे को पता नहीं क्या हो गया। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये पाँव टूट जाएगा इसका। ये देखो दोस्तों एक मिनट में आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये देखें दोस्तों इसका पाँव, ये देखो कितनी बुरी तरह से फंसा हुआ है, पता नहीं क्या डाला इन लोगों ने, ये 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 क्या गंद पता नहीं किधर से लिया है दोस्तों, इस बेचारे की उंगलियां कट गई हैं। ये देखें दोस्तों मासूम बेचारा सारा। एक मिनट दोस्तों मैं वीडियो बंद करता हूँ, क्योंकि ये देखो दोस्तों इसमें फंसा हुआ था, इसकी बेचारे के पाँव काट गए सारी उंगलियाँ, एक मिनट इसकी सारी उंगलियाँ काट गई हैं, इन्होंने पता नहीं कोई रिजल्ट दिया या नहीं दिया, इसी बस बैठे हुए इस बेचारे की, इसको मैं बाहर फेंकता हूँ, देखें बेचारा किधर गया, पता नहीं किधर चला गया बेचारा, इसकी सारी उंगलियाँ काट गई हैं। एक मिनट इधर होगा बैठा होगा कहीं, ये देखें बेचारे की सारी उंगलियाँ काट गई हैं, अभी बैठ भी नहीं सकते ऊपर, तो अभी क्या करूं। पता नहीं ये गम किधर से रहता है, ये जिंदा नहीं रह पाएगा दोस्तों, क्योंकि इसकी सारी उंगलियाँ काट गई हैं, ये मुश्किल है जिंदा रह पाए। ये देखिए बेचारे, ये जब कोई परिंदे का यह हाल होता है ना तो बहुत अफसोस होता है। अभी इसको बाहर फेंकता हूँ, दफा करो इसको, अभी क्या कर सकते हैं किधर की फिर। ये देखें सामने बैठा हुआ है, उश, इसने भी चक लगाना, चख चख है, इसने भी चक लगाना था अभी, इस बेचारे का क्या होगा, इनको कोई करता हूँ पट्टी वट्टी करता हूँ, लेकिन मुश्किल है इसको बचना, क्योंकि इसकी सार उंगलियाँ और लगे इस चीज़ में तो वो सारा खराब हो गया। ऊपर भी नहीं बैठ सकता, नीचे बैठा हुआ,
इसको पानी डाल के देता हूँ, फिर इसको देखता हूँ। चखे दोस्तों, मैं इनको दाना पानी कर दूं, ये भी पता नहीं है कैसे सिस्टम क्या कुछ। दोस्तों ये देखिए, एक जो है ना आज बैड न्यूज भी दिया, बहुत बेचारा उधर लटक रहा था सामने, अभी देखते हैं बचता है यार नहीं बचता, देखेंगे इसको भी बेचारे को, क्योंकि चल फिर नहीं सकते, इसकी उंगलियाँ सारी कट गई हैं और बस ऐसे पाँव से मतलब जो है ना सिर्फ बैठ सकते हैं, चल भी नहीं सकते ना उड़ सकते हैं। तो आज थी दोस्तों मेरी आज की वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।